और उसके काली कमाई से अर्जित संपत्तियों का ये हाल हो रहा है। साथ ही साथ उसका परिवार, उसके रिश्तेदार भी। माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। प्रयागराज में जहां माफिया अतीक अहमद समेत उसके कई गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरे अपराधियों के खिलाफ भी प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बुधवार को धूमनगंज और पूरा मुफ्ती इलाके में प्रयागराज पुलिस ने हिस्ट्री सीटर गौ तस्करी के आरोपी सपा ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के 5 प्लाटों को कुर्क किया। कुर्क किए 5 प्लाटों की कीमत 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने कुर्क संपत्तियों पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया है। मुजफ्फर मौजूदा समय में प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं और समाजवादी पार्टी के कौड़िहार के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर 14(1) के तहत मुजफ्फर की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। आरोप है कि अवैध तरीके से धन अर्जित कर उसने इन संपत्तियों को बनाया है और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल। आप देख रहे होंगे कि ये काली कमाई से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है जो मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र मुख्तार अहमद ने बनाई है। यह एक कुख्यात गौ तस्कर माफिया है जिसने पिछले कुछ वर्षों में तमाम जघन्य अपराध करते हुए, गौ तस्करी करते हुए, गौकशी करवाते हुए इस काली कमाई को जोड़ा था। इसने न केवल बेशकीमती प्लॉट खरीदे बल्कि उन प्लॉट पे आलीशान महल खड़े किए, दुकानें खड़ी की। आज उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत दफा 14(1) में इसकी सभी काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके और उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। देख रहे हैं कि इसमें ताले जड़े जा रहे हैं, इस ताले जड़े जा रहे हैं और सरकार के कब्जे में उसको जब्त किया जा रहा है, जिसको कुर्की की कार्रवाई कहते हैं। एक गैंगस्टर एक्ट के दफा 14(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये मोहम्मद मुजफ्फर एक हिस्ट्री सीटर माफिया है जिसका हिस्ट्री शीट थाना पूरा मुफ्ती में 15B पर दर्ज है। इसके सारे काले कारनामे जेल सलाखों के पीछे है और उसके काली कमाई से अर्जित संपत्तियों का ये हाल हो रहा है। साथ ही साथ उसका परिवार, उसके रिश्तेदार भी लज्जित होंगे। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपराध करने से बचे, मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाइए और उसी से अपना काम कीजिए ताकि आवाम में, समाज में शांति का वातावरण कायम हो सके और आम जनता किसी से डरे नहीं बल्कि सिर उठा के, सीना ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके चल सके और सभी की खैर ख्वाहिश हो सके। प्रयागराज पुलिस ने धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाने में मुजफ्फर की हिस्ट्री शीट भी खोला है। एसएसपी अजय कुमार का कहना है कि अपराध के जरिए जो लोग भी अवैध तरीके से संपत्तियों को अर्जित किए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज कुख्यात अपराधी मुजफ्फर के 5 प्लाटों को गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधी गौ तस्कर माफिया मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र अहमद मुख्तार अहमद के तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा काली कमाई से अर्जित उसके संपत्तियों को सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। मुजफ्फर अहमद एक बहुत ही कुख्यात माफिया है जो गौ तस्करी के कामों में लिप्त था। इस पर करीब 2 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। यह थाना पूरा मुफ्ती का हिस्ट्री शीटर माफिया है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पूरा मुफ्ती में दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना धूमनगंज से हो रही थी। पूरी टीम गठित की गई थी। इस पूरी टीम ने इसकी काली कमाई से अर्जित तमाम संपत्तियों का चिन्हीकरण किया, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। इस समूची संपत्ति को नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आज जब्त कर लिया गया है। इस पर ताले लटका दिए गए हैं। अब इसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है। इस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। इस माफिया के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसकी संपत्तियों का चिन्हांकन जारी रहेगा। ये माफिया अभी जेल में है और इसके पूरे रैकेट को तलाशा जा रहा है, इसके गुर्गों को तलाशा जा रहा है। आगे भी इस पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिलहाल करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा
कीमत की संपत्तियों को हमने कुर्क किया है, और इस माफिया पे कार्रवाई से ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि कोई भी अपराध करेगा, माफियागिरी करेगा तो बच नहीं पाएगा।